वसीम अंसारी साहब क्या कहना चाहेंगे सर, एक तारीखी साहस कदम वार्ड नंबर 137 में? देखिए, तारीखी जो भी सवाल हुआ है और जो भी जवाब हुआ है, ये वार्ड नंबर 137 के लोग दिए हैं, हम नहीं दिए हैं। वार्ड नंबर 137 के लोग अगर हमें वोट नहीं देते तो आज हम यहाँ नहीं पहुँचते। तो ये मेरा कोई चमत्कार नहीं है, जो भी चमत्कार है सब हमारे पूरे वार्ड का, जो हमारे वार्ड के अंदर में एक हिंदुस्तान रहता है। अब ये 9 वार्ड के अंदर में देखिए अपना कोई नहीं रहता है, यहाँ सिख, ईसाई, बौद्ध, मद्रासी, बिहारी मुसलमान, हिंदू बिहारी मुसलमान और बंगला मुसलमान सभी लोग यहाँ रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सरदार भी रहते हैं, सभी यानी मद्रासी भी रहते हैं। इस वार्ड के अंदर में जो भी आप पाइएगा पूरे धर्म के लोग पाइएगा, और आप कोई वार्ड में नहीं पाइएगा। तो हर लोग हमें वोट दिए हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रख सकूं। आज के प्रोग्राम के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम देखिए, बहुत लोग परेशान थे कि वसीम TMC ज्वाइन किया कि नहीं किया, मेरे वार्ड के लोग भी जब जानना चाह रहे थे। तो ये एक छोटा सा विजय सम्मेलन हुआ, जिसके वजह से खालिक बुल्लाने साहब ने कहा कि आप यहाँ पर एक तो प्रोग्राम कराइए जिससे आपका भी लोग पहचान हो जाएगा। तो मैंने ये प्रोग्राम कराया और ये आदमी बहुत परेशान थे कि वसीम अंसारी TMC किस तरीके से ज्वाइन किया, TMC के लोग भी परेशान थे। तो ये अभिषेक दा की तरफ से ऑर्डर था जो हमको पार्टी ज्वाइन कराया गया, और आगे आगे देखिए पार्टी के लिए काम करेंगे जितना हो सकेगा। और आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि अभिषेक बनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर 24 इलेक्शन के अंदर में कामयाब कीजिएगा। वसीम साहब, जिस तरह से आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, लड़कियों के वोकेशनल ट्रेनिंग और बच्चियों की शादी को लेकर काम कर रहे हैं, माने ग्राउंड जीरो पे जो काम कर रहे हैं सर, यही वजह है कि वसीम अंसारी का काम बोलता है? देखिए, एक बात आपको बता दे रहे, सब बात तो बोल नहीं पाएंगे क्या करते नहीं करते हैं। मैं आज काउंसलर बना हूँ, मैं जब काउंसलर नहीं था, आज 25 साल से मैं काम करते हुए आ रहा हूँ। और लोग आजकल दिखाते हैं, देते हैं स्कॉलरशिप, देते हैं तो मिनिस्टर को बुलाते हैं, कोई MP को बुलाते हैं, वार्ड के लोगों को बुलाते हैं। मैं जिस टाइम में देना लोगों को सिखाया है, अब बच्चे लोगों को दिया है स्कॉलरशिप और एक से एक प्राइज दिया है, उस टाइम मैं किसी को नहीं बुलाता था। लोग पब्लिक यहाँ के मटिया बुझ के लोगों को बुलाता था और उन लोगों के हाथों से दिलाता था कि कोई शोर गोर नहीं, बच्चे लोग सिर्फ हमारे पढ़े और बच्चे लोग हमारे आगे बढ़े। TMC में आने के बाद आप क्या नया कुछ करना चाहेंगे? देखिए, जो पुराना कर रहे थे, लोगों को आशा नहीं है, वैसा क्या आप करना चाहेंगे? देखिए, जो लोगों को आशा नहीं है उनको निराशा भी नहीं किया जाएगा, उनको भी निराश रहना चाहिए और उनको भी रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। आगे तक बने रहने के लिए क्या क्या ऐसा चमत्कारी काम करेंगे आप? देखिए, आगे तक बने रहने के लिए चमत्कारी यही करेंगे कि वार्ड नंबर 137 में जो काम नहीं हुआ है वो काम को पूरा कोशिश करेंगे करने के लिए, और अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा वसीम अंसारी साहब, एक सवाल अभी देखा गया है, जिस तरह से शुभिंदु अधिकारी और ISF का यूनिट नौशाद सिद्दीकी डायमंड नंबर कॉन्स्टिट्यूंसी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ हिंदुस्तान में, नहीं पूरे वर्ल्ड में, एक मिनट मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ, तो वसीम अंसारी साहब क्या बताएं कि जो अभिषेक बनर्जी अपने काम से जीता जाएगा? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, शुभिंदु अधिकारी के बारे में जो आप बोल रहे हैं वो भी कल TMC थे, कल वो भी TMC थे, TMC से BJP में गए, तो उनके बारे में बोलना क्या, उनको बोलिए कि डायमंड हबड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा होकर वो जीत कर दिखाए। ज्यादा नसीम भाई क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर, जो वसीम अंसारी साहब ने जो एक बड़ा कदम उठाया है नेशनल इंटीग्रिटी कौमी एकजाती को लेकर? शकील सिद्दीकी, मैं शकील सिद्दीकी, मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा कि आज का ये प्रोग्राम बिला शुबा, नो डाउट, ये बहुत ही कामयाब रहा, उसका श्रेय वसीम अंसारी के ऊपर में जाता है, इन्होंने बहुत मेहनत किया इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। तो नाजरीन, आप पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहे, द लोकल जर्नलिस्ट के साथ आपने देखा वसीम अंसारी वार्ड नंबर 137 का काउंसलर, जिसने आज विजय सम्मेलन मनाया जिसमें कि शशि पांजा भी आई हुई थी और इसमें अब्दुल खालिक मुल्ला भी मौजूद थे। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन कलकत्ता से, बहुत बहुत शुक्रिया।